ये बात पिछले 3 सालों से है। ये जब ये पार्टी और परिवार टूटी थी तो प्राइवेट में तो टूटा नहीं था, ये चीज़ का तो बकायदा उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था सब कुछ। तो ऐसे में ये कहूँगा मैं कि जीतनराम मांझी जी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत आदर सम्मान है उनका, लेकिन जब भी आप आ करके रामविलास पासवान जी की जो विरासत है, आप जो उनके गुण रहे हैं, जो आज उनके मूल्यों पर उद्देश्यों पर चल रहा हो, आप उसी को देने की बात करें। आप इसको किसी भी तरह से पारस जी की तरफ मत धकेलें। ये अगर एक परिवार का झगड़ा है तो इसमें परिवार के झगड़े में परिवार के लोग ही इसको बैठ करके सुलझाएंगे। गोपालगंज में नहीं हुआ है ये, एक जगह कुछ उपद्रवी लोगों ने कुछ ऐसा कृत सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किया है। इस बारे में हम लोगों ने प्रशासन से शिकायत भी की और हम लोग मुख्यमंत्री जी को मिल करके इस बारे में संज्ञान देंगे और उनसे अपील करेंगे कि इस पे कड़ी कार्रवाई हो। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, आपके साथ है संजीव सिंह। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच झगड़े में पड़ना भारी पड़ गया है। जहां दरअसल चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर के जीतनराम मांझी ने बीते दिनों एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि पशुपति कुमार पारस के अंदर ही रामविलास पासवान की छवि देखने को मिलती है, जिसको लेकर के अब चिराग पासवान के जो नेता हैं उसके पार्टी के, वो लगातार अब जीतनराम मांझी पर हमला कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अरुण भारती, जो कि जमुई से सांसद है, चिराग पासवान के जीजा है, उन्होंने जीतनराम मांझी पर हमला करते हुए फिर से कहा है कि जीतनराम मांझी को इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, पारिवारिक झगड़ा है और इसका जो समाधान है हम लोग परिवार में ही बैठकर करेंगे, इसमें किसी तीसरे को पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ साथ झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और गया की बात करें तो गया में भी रामविलास पासवान की प्रतिमा से कुछ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ किया है। इसको लेकर के जब अरुण भारती से सवाल किया गया तो अरुण भारती ने तमाम सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये बात पिछले 3 सालों से है। ये जब ये पार्टी और परिवार टूटी थी तो प्राइवेट में तो टूटा नहीं था, ये चीज का तो बकायदा उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था सब कुछ। तो ऐसे में ये कहूंगा मैं कि जीतनराम मांझी जी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत आदर सम्मान है उनका, लेकिन जब भी आप आ करके रामविलास पासवान जी की जो विरासत है, आप जो उनके गुण रहे हैं, जो आज उनके मूल्यों पर उद्देश्यों पर चल रहा हो, आप उसी को देने की बात करें। आप इसको किसी भी तरह से पारस जी की तरफ मत धकेलें। ये अगर एक परिवार का झगड़ा है तो इसमें परिवार के झगड़े में परिवार के लोग ही इसको बैठ करके सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं। झारखंड में आप प्रभारी बनाए गए हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एनडीए से क्या सहमति मिल गई है, लोजपा रामविलास को कितने सीट मिलेंगे? लोजपा रामविलास झारखंड के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और हमारी गठबंधन में बात चल रही है सीटों को लेकर के। एक बार जब सहमति बन जाएगी तो आपको भी उसकी जानकारी देनी जाएगी। सीटों पर लड़ने की आप लोगों की मांग, ये एक बार आपसी तय हो जाए इसके बाद आप लोगों को जानकारी नहीं देंगे। नहीं बन पाएगी, तब क्या रास्ता हो? हाँ, अभी हम लोग भविष्य का कोई भी कयास नहीं लगा रहे हैं, अभी हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन में ही लड़ें, इसलिए गठबंधन में जब बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को भी हम आकर के जानकारी साझा करेंगे कि हम कितनी सीटों पर। संभावना कब तक है, जो कि विधानसभा चुनाव में शर्मा से बातचीत हुई है? जी, इस बारे में गठबंधन में बातचीत चल रही है। एक बार बातें जब पूरी हो जाएंगी गठबंधन, क्योंकि मैं हम लोग सिर्फ गठबंधन में लोजपा ही नहीं है, उसमें अलग अलग और भी दल है, आजसू भी है, जदयू भी है, एक बार सबकी बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को इस बारे में सारी जानकारी देंगे। गोपालगंज में रामविलास जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुआ, आपके पास खबर है? गोपालगंज में नहीं हुआ है ये, एक जगह कुछ उपद्रवी लोगों ने कुछ ऐसा कृत सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किया है। इस बारे में हम लोगों ने प्रशासन से शिकायत भी की और हम लोग मुख्यमंत्री जी को मिल करके इस बारे में संज्ञान देंगे और उनसे अपील करेंगे कि इस पे कड़ी कार्रवाई हो।
गया में हुई है, बखानी टोला। तो आपने सुना कि साफ तौर पे जमुई सांसद अरुण भारती कहते नजर आ रहे हैं कि पारिवारिक झगड़े में किसी तीसरे व्यक्ति को पढ़ना नहीं चाहिए और रामविलास पासवान जी की छवि जो है वो चिराग पासवान में ही दिखती है। पशुपति कुमार पारस के बारे में इस तरह की बातें करना जीतन रामा जी को नहीं चाहिए था। साथ ही साथ झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गठबंधन के साथ हम लोग मिलकर के चुनाव लड़े, हमारी बातचीत भी हो रही है और चुनाव हम हर हाल में वहाँ से लड़ेंगे और बहुत जल्द तय हो जाएगा कितनी सीट पर हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं और गठबंधन के साथ लड़ने वाले हैं। इसको लेकर के बहुत जल्द जो है वो अपडेट दिया जाएगा। और साथ ही साथ गया में जिस प्रकार से जो है रामविलास पासवान की मूर्ति के साथ जो छेड़छाड़ किया गया है उसको लेकर के अरुण भारती ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम लोगों ने बातचीत की है, जो भी अपराधी हैं, जो भी असामाजिक तत्व जिन्होंने मूर्ति से छेड़छाड़ किए हैं वो किसी भी सूरत में बचेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ कर रहे थे तमाम सवाल को का जवाब देते हुए अरुण भारती, आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।